अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये है डॉक्टर फॉक और मैं हूँ मोहम्मद उवैस मिठानी। आज की टिप में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में लिखे गए नंबर्स को या अमाउंट को वर्ड में किस तरह तब्दील करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एमएस ऑफिस में या एमएस एक्सेल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो नंबर्स या अमाउंट को वर्ड में तब्दील कर दे। इसके लिए हम एक वीबी कोड इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए हम अपना फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें हम नंबर्स को कोड में वर्ड में तब्दील करते हैं। इसके लिए हम इन कोड को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इसमें तब्दीली अपनी मर्जी से कैसे करेंगे, इसको देख सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल की एक फाइल खोलते हैं। देखिए, एक्सेल की मैंने एक फाइल खोली हुई है, इसमें हम किस तरीके से उस कोड को जो एमएस ऑफिस ने दिया हुआ है उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये जो मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, इन टैब्स में डेवलपर टैब्स का होना जरूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपर टैब्स नहीं है, तो इस डेवलपर टैब को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, एमएस 2007 में डिफरेंट तरीका है और इसके बाद के वर्जन में डिफरेंट है। फिलहाल मैं आपको 2019 के बारे में बताता हूँ, इसके बाद हम 2007 पे बात करेंगे। 2007 के बाद के जितने भी वर्जन हैं उसमें डेवलपर टैब ऐड करने के लिए आप फाइल में जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन का बटन नजर आएगा इनमें, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सेल ऑप्शंस की विंडो खुल जाएगी जिसमें एक टैब है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन को आप क्लिक करें तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के रिबन जिस वक्त आपके एक्सेल में मौजूद हैं वो सारे नजर आने लगेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, जहाँ राइट साइड पे जो टैब है या बॉक्स है उसमें एक चीज लिखी हुई डेवलपर, इसको क्लिक कर लें और ओके कर दें तो यहाँ पे आप देखिए आपका डेवलपर टैब आ गया है। तो 2019 में डेवलपर टैब इस तरह ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं 2007 में किस तरह ऐड करेंगे। 2007 में अगर हमें डेवलपर टैब ऐड करना हो तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक दूसरे सिस्टम पे आया हूँ जहाँ पे 2007 इंस्टॉल किया हुआ है और वहां पे एक्सेल 2007 को ओपन करता हूँ। इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं ऑफिस बटन, उसको क्लिक करें और इसके अंदर सबसे नीचे लिखा हुआ है एक्सेल ऑप्शंस, इसको क्लिक करें तो आपके सामने एक्सेल ऑप्शन की स्क्रीन आ गई है, विंडो आ गई है। उसमें सबसे टॉप पर लिखा हुआ है पॉपुलर, इस पॉपुलर में रहते हुए आप तीसरे नंबर पे देखेंगे लिखा हुआ है शो डेवलपर टैब इन द रिबन, तो इसको क्लिक कर दें, ओके कर दें तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे डेवलपर टैब ऐड हो गया है। इसको क्लिक करें तो ये आपका डेवलपर टैब की रिबन है जिसमें आपको डेवलपमेंट के तमाम बटन नजर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो हो गया डेवलपर टैब्स को ऐड करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं कि हमने अब कोडिंग किस तरह करनी है। तो व्यूअर, डेवलपर टैब ऑन करने के बाद अब हम डेवलपर टैब में जो मैक्रोस के काम होते हैं उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स पहली बार डेवलपर टैब में या वीबीए पे काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी मैक्रो सिक्योरिटी जो होती है उसको चेक कर लें। मैक्रो सिक्योरिटी पे जब हम बात करते हैं या मैक्रो सिक्योरिटी को जब मैंने ऑन किया तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से एक विंडो खुल गई है जिसमें वो आपको चार ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, ये ऑप्शन अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपके जितने भी मैक्रोज हैं वो आपके कंप्यूटर में नहीं चलेंगे। दूसरा ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रोज विद नोटिफिकेशन, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मैक्रो वाली फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आप इसको अलाउ कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये फाइल आपकी अपनी बनाई हुई है या ट्रस्टफुल बंदे ने भेजी है तो आप इसमें इनेबल कर लेंगे, वरना इसको डिसेबल ही रहने देंगे। थर्ड ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रोस एक्सेप्ट डिजिटली साइंड मैक्रोस, ये वो मैक्रोस हैं जो डिजिटली साइंड है और उसको वेरीफाई कर दिया है एमएस ऑफिस ने खुद से, तो ये ऑप्शन 99% लोग इस्तेमाल नहीं करते। चौथा ऑप्शन है एनेबल ऑल मैक्रोस, इसका मतलब यह है कि वो विदाउट नोटिफिकेशन आपके तमाम मैक्रोस को इनेबल रखेगा, लेकिन ये बड़ा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि
मैक्रोस एक ऐसी खतरनाक चीज होती है कि एक एक लाइन में आके पूरे पूरे डेटा को खा दिया जा सकता है। तो इसको उस वक्त तक ऑन ना रखें, इसको उस वक्त तक क्लिक पे ना रखें जब तक आप मैक्रोस के एक्सपर्ट ना हो जाए। तो बेहतर जो ऑप्शन होता है उसी को मैं क्लिक रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो व्यूअर सिक्योरिटी के बाद अब हम जाएंगे एमएस ऑफिस के दिए हुए उस मैक्रो कोड की तरफ जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख कर रखा है, जिसे हम डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं या जिसे हम कॉपी करके अपने मैक्रोस में रख सकते हैं और उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर यह है कि उन्होंने टेक्निकली जो लोग डेवलपर पे काम करते हैं उनके लिए वो कोड डाला है, तो एक नए बंदे के लिए उसमें एक दो एरर आ जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आती कि उसको ठीक कैसे करें, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला काम नहीं कर पाता। तो मैंने उस एरर को खत्म करके या उसको ठीक करके अपनी ड्राइव पर सेव किया हुआ है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके, जो कि मैंने नीचे शेयरिंग में भी दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके एक टेक्स्ट फाइल है उसे डाउनलोड कर ले। फिर हम उस टेक्स्ट फाइल में क्या करेंगे उस पर मैं भी आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर इस लिंक को क्लिक करते हुए हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं कि ये फाइल एक्चुअली दिखेगी कैसे या इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं इस लिंक पे जाता हूँ और उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये फाइल मेरे सामने आ गई है, जो मैंने कुछ चेंजेस की हुई है उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और ये फाइल मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गई है। इस फाइल के डाउनलोड होने के बाद मैं इस फाइल को ओपन करके अपने पास रख लेता हूँ। तो ये है वो टेक्स्ट फाइल जिसमें कोड लिखा हुआ है जिसे हमें एमएस एक्सेल में अप्लाई करना है। तो आए अब हम इस कोड को अप्लाई करने जाते हैं और इसमें फिर कुछ चेंजेस भी करेंगे कि इसमें चेंजेस करके हम अपने एरिया के हिसाब से या अपने इलाके के हिसाब से इसको किस तरह बना सकते हैं। तो व्यूअर अब हम दोबारा एक्सेल की तरफ जाते हैं। ये है एक्सेल की वो फाइल जहां पे हमने ये कोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस डेवलपर टैब में एक लव लिखा हुआ या एक ऑप्शन है विजुअल बेसिक, इसको क्लिक करें तो आपके पास विजुअल बेसिक की स्क्रीन आ जाएगी, एक नई विंडो होगी जिसमें आपके प्रॉपर्टीज में उस फाइल के बारे में डिटेल बताई होगी कि आप इसमें बुक नंबर 1 पर है जिसमें एक ही शीट मौजूद है। यहाँ पे आपने एक काम करना है कि यहाँ पे एक इंसर्ट का बटन है, इस इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ है, इस मॉड्यूल को इंसर्ट कर दें। मॉड्यूल को इंसर्ट करने के बाद आपके पास मॉड्यूल स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी जो कि आपके फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेगी। हम इस फार्मूले को कंट्रोल ए के जरिए सेलेक्ट करते हैं ताकि तमाम लाइन सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल सी और उस मैक्रो पे जाके मॉड्यूल में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपका ये पूरा फार्मूला या पूरी कोडिंग यहाँ पे पेस्ट हो गई है जो एमएस ऑफिस ने प्रोवाइड की है विद 1 or 2 गलतियों के साथ। मैंने इसमें कुछ मामूली सी तब्दीलियां की हैं, एक तो गलतियों को ठीक किया है, सेकंड एमएस ऑफिस ने डॉलर में लिखा है मैंने डॉलर को चेंज करके रुपीज में बना दिया है और पे सेंट्स इनके यहाँ पे करेंसी में सेंट चलते हैं तो मैंने इसको पैसा में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इस चेंजेस को कैसे करते हैं एक बार फिर करके मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल आर के जरिए, कंट्रोल एफ के जरिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं वर्ड रुपी और उसको रिप्लेस कर देता हूं विद द वर्ड डॉलर। अब आपके पास जो फाइल होती है उसमें हो सकता है कि डॉलर हो तो आप डॉलर अप्लाई कर दें, आप चाहें तो इसमें अपने मुल्क की करेंसी जो भी है उसको अप्लाई कर दें और इसको रिप्लेस ऑल कर दें, ओके कर दें, ये रिप्लेस हो गया। सेकंड प्रॉब्लम आपके डेसिमल्स की है, तो पाकिस्तान में पैसा चलता है और आपके मुल्क में हो सकता है क्योंकि अमेरिका में डॉलर की जगह सेंट चलता है तो मैं पैसा को सेंट में तब्दील कर देता हूँ। आपके मुल्क की करेंसी का जो भी हिसाब है वो आप उसको रिप्लेस कर दें तो ये भी रिप्लेस हो गया। थर्ड ये है कि मैं इसको बंद करके एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है नम वर्ड, ये असल में आपके फार्मूले का नाम है। तो
इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ ताकि कहीं भी जब वो अप्लाई हो तो मेरा नाम हो, मिस नम सॉरी इस नम वर्ड को रिप्लेस कर देता हूं अपने नाम के साथ और मैं लिख देता हूं इसको मिठानी, मैं मिठानी से रिप्लेस कर देता हूं तो जहां भी दो जगह पे नंबर लिखा हुआ था उसकी जगह वो मिठानी में तब्दील हो गया। तो ओके कर देता हूं, मेरा यहां पे काम कंप्लीट हो गया है, इसको मैं बंद कर देता हूं और अब हमारा फॉर्मूला या हमारा कोड यहाँ पे अप्लाई हो गया जो एक मिठानी के नाम से फॉर्मूला होगा। तो व्यूअर इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद हम इसके इम्प्लीकेशन देखेंगे, क्या वाकई में आपका मॉड्यूल काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7.89 और इसको चेक करते हैं कि ये मेरा मिठानी नाम का फॉर्मूला इस पे काम कर रहा है या नहीं। तब यहाँ पे देखेंगे मुझे मिठानी नाम का फॉर्मूला एक्सेल खुद दिखा रहा है और अगर वो अकेला है तो मैं टैब दबा देता हूँ तो मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएंगे और मैं यहाँ पे O13 को सेलेक्ट करता हूँ जहाँ मेरे नंबर लिखे हुए, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 1,234,567.89। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में डॉलर्स और सेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि रुपीज और पैसा का इस्तेमाल होता है, इसलिए जो मेरी फाइल गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है उसमें रुपीज और पैसे का इस्तेमाल है, बाकी नाम का चेंज आप अपनी मर्जी से जो चाहे रख सकते हैं। व्यूअर कोड के इस्तेमाल के बाद अब हम देखेंगे कि हमें ये फाइल सेव किस तरह करनी चाहिए। हमेशा यह देखेगा कि एक ऐसी एमएस एक्सेल की फाइल जिसमें मैक्रोस बना हुआ हो वो आम फाइल से डिफरेंट होती है। तो जब भी आप किसी मैक्रो वाली फाइल को सेव करने जाएं, पहली बार जब इसको सेव करना हो तो इसको सेव मत कीजिएगा, इसको सेव एस कीजिएगा। मैं इसको सेव एस करता हूं, सेव एस करने के बाद वो मुझसे लोकेशन पूछ रहा है जो कि आप कहीं भी लोकेशन में इसको सेव कर सकते हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूं। और यहां पे इस चीज का ख्याल रखिएगा अगर सेव एस टाइप में आप इसको हमेशा मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव करें। मैक्रो इनेबल्ड के तौर पे सेव करने का मकसद ये होता है कि आपका एमएस ऑफिस को आप खुद बता रहे होते हैं कि इस फाइल के अंदर एक मैक्रो है तो उसको मैक्रो कंडीशन में ही सेव करें, वरना अगर आप इसको रेगुलर फाइल के तौर पे सेव करेंगे तो वो इस फाइल में से मैक्रो को डिलीट कर देगा। तो मैं इसका कोई भी नाम रख लेता हूं जैसे वर्ड इन एमएस एक्सेल और इसको सेव कर लेता हूं। दोबारा बता दूं इसको मैक्रो इनेबल्ड सेव कीजिएगा। इस फाइल को सेव करने के बाद हम इस फाइल को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक राम एक्सेल की फाइल और मैक्रो इनेबल फाइल की। इसकी व्यू बड़ी कर देता हूं, तो ये एक नॉर्मल फाइल है, ये वाली फाइल देखे तो ये एक नॉर्मल फाइल है जबकि हम इसको मैक्रो एक्सेल की इनेबल फाइल देखें तो ये एक जो हमने फाइल बनाई है मैक्रो इनेबल्ड ये वो फाइल है। दोनों में ये फर्क होता है, ये मैं बता रहा था कि इसके अंदर कोई कोड कल चल रहा है और ये एक आम एक्सेल की फाइल है। इस फाइल को दोबारा खोलते हैं, तो जब भी हम इस फाइल को खोलेंगे क्योंकि हमने डिसेबल किया हुआ इसका कंटेंट तो ये हमसे पूछ रहा होता है कि क्या हमें इसके मैक्रोस को चलाना है या नहीं, तो हम इसको इनेबल कर देते हैं क्योंकि ये कोड हमने खुद बनाया है इसलिए हमें पता है कि ये एक साफ सुथरी फाइल है, इसमें कोई खतरा नहीं है। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं कि इसके जो हमने कोड बनाया था इसको हमें किसी और फाइल में इस्तेमाल करना हो, ये जो मॉड्यूल हमने बनाया है तो क्या खाली ये इसी फाइल में चलेगा या किसी और में। अगर आप किसी किस्म का मॉड्यूल बनाते हैं या एक्सेल में कोई कोड इस्तेमाल करते हैं और आप इसको दूसरी फाइलों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बहुत आसान तरीका है कि आप इसको राइट क्लिक करके, मैं इस मॉड्यूल को राइट क्लिक करता हूँ और इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट कर दूं
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको बेस फाइल ये बना रहा है और इसका नाम पूछ रहा है। मैं इसका नाम रख देता हूं एक्सेल वर्डिंग, एक्सेल वर्डिंग में इसका नाम रख देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। तो ये एक्सपोर्ट हो गई है मेरी मैक्रो की फाइल। अब मैं किसी भी एमएस ऑफिस एक्सेल की किसी नई फाइल में मैं चाहूं, जैसे ये मैंने बुक वन खोली है, इसमें मैं चाहूं कि ये कोड इसमें भी आ जाए, तो मैं विजुअल बेसिक में जाता हूं और इसको जो ये बुक वन है इसमें मैं एक फाइल इंपोर्ट कर देता हूं। राइट क्लिक करके मैं इसमें फाइल इंपोर्ट कर रहा हूं और मेरी ये फाइल मौजूद है एक्सेल वर्डिंग, ये मैं इसमें ओपन कर लेता हूं या इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मेरी इस फाइल में भी मिठानी का फार्मूला आ गया है, यानी अब मैं इस नई फाइल में भी मिठानी का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किया और अब यहाँ पे इसका जवाब आ गया है, यानी कि अब मेरी नई फाइल में भी मिठानी का फार्मूला काम करेगा। तो व्यूअर इस तरह हम जो है मैक्रोस को एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफर करते हैं। यह वीबीए का थोड़ा सा बेसिक काम मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज एक नई वीडियो के साथ आपको एमएस ऑफिस की एडवांस ट्रिक्स और टिप्स बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।